मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलते हैं। रजिस्टर एंड गेट 2500 वेलकम बोनस। खेलो असली फैंटेसी ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इस वक्त हर तरफ चर्चा तेज गेंदबाज मयंक यादव की हो रही है। मयंक ने अपने दो मैचों में जो करके दिखाया है, उसने कहीं ना कहीं अब डिबेट शुरू कर दी है कि क्या मयंक जो है वो भारतीय टीम के लिए जल्द से जल्द आ सकते हैं। अपनी काबिलियत के बल पर सभी आप कह सकते हैं कि लोगों को मयंक ने अपनी तरफ आकर्षित किया। और इस वक्त मेरे साथ मयंक के पिताजी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि मयंक को यह मौका मिला, लेकिन मुझे पता है कि आपका यह सपना रहा है मयंक को एक क्रिकेटर बनाने का, तो कैसे शुरुआत हुई और किस किस तरीके से आपने मयंक को आगे बढ़ाया? वो जो एक सिस्टम होता है भाई पिता का, वो मेरा काम था भाई कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके लिए काम किया था और कर रहे हैं अभी भी। आगे बहुत आगे तक उसको जाना है, देखते हैं, अभी तो शुरुआत है थोड़ा। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको कब पता चला कि मयंक के अंदर में ये क्रिकेट का टैलेंट है, मयंक जो है एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, फिर उसी हिसाब से आपने प्लान किया, आप उसको एकेडमी ले गए? नॉर्मल जो एक पिता का होता है भाई, अपने बच्चों को सुबह उठ आके स्कूल भेजता है और फिर स्कूल से आता है, तो फिर आपके संडे को छुट्टी होता है आपकी, तो उसके बाद आप उसको टाइम देते हो भाई, आपको खिलाना भी है, उसको घुमाना भी है, उसको और सारा काम करना है, तो उसके ऊपर काम करते थे भाई। अपने बच्चों को पार्क ले गए, थोड़ा काम किया उसके लिए, तो फिर भाई शौक है तो भाई उसके लिए एक प्लास्टिक का बैट लाए, फिर उसको पार्क में सिखाने लगे बॉल डाल करके, फिर उसको बैटिंग सिखाए, फिर धीरे धीरे, फिर एक दिन पूछा गया भाई बाबू चलेगा संडे को दिन बेटा, तो ले गए उसको संडे के दिन एकेडमी, कौन सा बड़ा है तो एकेडमी ले गए, तो फिर वहाँ डाला तो फिर खेलने लगा, तो दूसरे तीसरे दिन मैच मिल गया, तो खुशी हुई बहुत भाई मैच मिल गया। बॉल डालता था तो अच्छा था, क्योंकि मैं पार्क में डलवाता था उसको, तो बहुत अच्छा था शुरू से ही, वो अच्छा था, वो 6-7 साल की उम्र थी तब से ही, तो मेरे को मज़ा आता था क्योंकि मेरे को बहुत पैशन था क्रिकेट देखना। वर्ल्ड के जितने क्रिकेटर हैं मेरे को सभी अच्छे लगते हैं। अब ठीक है भाई, समय के हिसाब से बेटा जब मेरा आया तो मुझे उसके अलावा कोई दिखता नहीं था, क्योंकि मैं उसको 8-8 घंटे देखता था मैच में, ले गए सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे ला रहे हैं, फिर उसके लिए जो सिस्टम होता करने का वो सब करा है। आप भी खेलते थे अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट? नहीं, मेरा स्कूल टाइम तो बहुत कम था, मैं 3री-4थी तक ही पास किया था, फिर मैं दिल्ली आ गया था, उसके बाद मैं दिल्ली में सेटल हो गया, सारा बिजनेस वगैरह जो अपना किया हूँ, तो मेरा स्कूल टाइम इतना नहीं था। तो बाकी तो शौक तो हर कोई होता है, दोस्त लोग ले आते थे भाई बॉल डाल, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्क में जाके बॉल वॉल डालते थे भाई, ऐसा ही था लाइफ। तो ये भी कह सकते हैं ना कि आपका जो अपना सपना था वो अब आप मयंक के जरिए देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल राइट राइट, जो मेरा को लगता था भाई ये प्लेयर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, तो वही उस टाइम पे थे, बड़े बड़े प्लेयर थे भाई। अभी जो अभी कोच है जैसे मेरे बेटे का, अभी क्लूजनर, लैंड क्लूजनर, वो उस टाइम पे बहुत अच्छा था, वो 10 ओवर डालते थे फिर बैटिंग करते थे, अच्छा था, ऑलराउंडर था बढ़िया। जैक कैलिस थे या ब्रैडली आए थे उस टाइम पे भाई, बहुत तेज़ था, या मैकग्राफ एक्यूरेसी में बहुत अच्छा है, तो ये सब बहुत थे। फिर वेस्ट इंडीज़ के 2 प्लेयर थे, पाकिस्तान के बहुत सारे 3-4 जो थे, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप थे वो मैंने खड़े होकर देखा था रोड पे, तो वो भाई वो इंप्रेशन था मेरे अंदर भाई ऐसा होगा। फिर हमने भाई उम्र हुई मेरी, शादी ब्याह होगी मेरी, तो फिर बेटा बेटी हुई मेरी पहले, फिर बेटा हुआ, तो बेटा हुआ तो भाई नॉर्मली हर आदमी को जैसा काम करना चाहिए करा, बस उसी पर काम किया बस। अच्छा, एक ये भी चीज़ है ना कि किसी भी खिलाड़ी को समझने के लिए, उसको तराशने के लिए माँ बाप को बहुत संघर्ष, मेहनत, सब कुछ करना पड़ता है, आपके इस संघर्ष को अगर आप थोड़ा सा बता सकें? वो देखो, जो पेरेंट्स का काम है वो तो करना ही पड़ता है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देंगे उसको आपको पता नहीं पड़ेगा, तो उसको मैंने टाइम दिया तो मुझे मज़ा आने लगा भाई, मेरा बेटा अच्छा कर रहा है तो उसके लिए मैं काम करता था। हर जगह मयंक की बातें हो रही हैं कि इतने तेज़ गेंदबाज हैं, एक नया खिलाड़ी हमें मिल गया है, और चर्चा ये भी है कि भाई अब उनको इस प्रदर्शन को देखते हुए टीम में मौका मिलना चाहिए, भारतीय टीम में। पिता के तौर पर कितना बड़ा गौरव का पल है आपके? बहुत बड़ा गौरव का पल है। अभी मेरे को पहले जब रणजी में उसमें सिलेक्शन हुआ क्या इसका IPL में फर्स्ट में, उसी में इसका डेब्यू था, मेरे को लग रहा था होगा 100%, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट में 100% शोर था, इसको इंजरी आई मुझे पता नहीं लगा, बताया नहीं मुझे, तो मैं तकलीफ बहुत हुई मेरे को, फिर इस रिप्लेस करा इसकी जगह, तब मेरे को पता लगा, फिर हमने इसको फ़ोन किया तब मुझे बताया, क्योंकि वो बोलता नहीं है, बहुत साइलेंट है, वो सिर्फ काम से काम मतलब रखता और कोई बात नहीं करता, तो हम लोग भी ऐसे ही है भाई, चलो ठीक है बताना चाहिए पेरेंट्स से आपको, तो आपका काम है हमारा बताना भाई, उसके बिना नहीं चलेगा काम, क्योंकि वो क्योंकि एक पिता का एक ही बेटा है और एक बेटी है, तो वही जीवन है।
मुझे पता है थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं सर, और मैं नहीं चाहूँगा कि आँख में आपके आंसू आए, लेकिन फिर भी चूँकि एक पिता के तौर पर मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अब जब दुनिया मयंक की तारीफ कर रही है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उसको जल्द से जल्द मौका मिलेगा भारतीय टीम? नहीं, 100% में शो है मेरे को सर, भाई वो 100% आएगा, मुझे बता, क्योंकि उसको मैं 14 साल से, जब 12 साल का हुआ ना, तब से मुझे लग गया मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा और बनेगा, उसके पीछे मैं लगा रहा भाई। जब 14 की ट्रायल हुई ना, उस टाइम ही मेरे को लग गया था इसका काम ये सबसे आगे है, तो फिर उसी हिसाब से हमने काम किया अच्छे से, और बेटा ने भी काम किया, वो सुना सब कुछ, अपनी बात, बाप का बात कभी नहीं काटता है वो, तो उसके ऊपर काम किया। फिर 16 में हमारा ट्रायल हुआ, 16 में लगा और भी थोड़ा, हम 13-14 साल के हो गए 16 में, तो थोड़ा और पावर आया और गेम भी आई, तो खेलने से ही आता है सब, मैचे लोकल मैचे बहुत होती कॉलेज स्कूल के, तो वो खेल कर गए यहाँ तक आए। फिर हमारा फाइनली 19 में सिलेक्शन हो गया, तो हमें लगा भाई और उम्मीद है, एक सीढ़ी मिल गया, क्योंकि रास्ता चाहिए आपको, रास्ता के बिना कुछ नहीं है जीवन में भाई, एक सीढ़ी तो पार करो, जैसे आप फर्स्ट में गए सेकंड में गए, तो रास्ता है, क्रिकेट भी एक रास्ता है, आप 14, 16, 19 तो एंट्री होना चाहिए, एंट्री हो गई आपकी तो आप काबिल बनेंगे, एंट्री नहीं हुई तो काबिल नहीं बन सकते, रास्ता मिल गया, तो उसके बाद लगा भाई फिर ठीक है अब चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो इसके ऊपर, डबल मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं चल सकते। चलिए एक चीज़ लास्ट सवाल सर आपसे, आपने रोड पे खड़े होकर भी मैच देखा है, अब आपका बेटा जो है स्टेडियम के अंदर में खेल रहा है, आप लखनऊ जा रहे हैं या दिल्ली के मैच का वेट करेंगे? मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस है, तो भाई वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, मैं बिजनेस भी है, क्योंकि बिजनेस से ही बेटा है, तो बिजनेस होगा तभी बेटा आएगा, तो भाई बेटा अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना काम करूँगा। तो ये थे प्रभु जी, और इनका साफ तौर पे कहना था कि बेटे को रास्ता मिल गया है, अब उसे मेहनत करके आगे बढ़ना है, उम्मीद है इनको कि जल्द ही वो भारत की नीली जर्सी में भी नजर आएगा। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव, आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।